Hello guys, my name is AJ and you're watching Wrestle AJ. तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि WWE वालों ने गाइस ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि हमको WrestleMania 39 में एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और रैंडम मैच देखने वाला है बिटवीन द जायंट ओमोस वर्सेस द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। और ये लोग की ब्रॉक लेसनर के फैंस हैं उनके लिए बहुत ही शॉकिंग चीज़ है कि जो लोग हमेशा ब्रॉक लेसनर को WrestleMania में मेन इवेंट मैचेस में देखते आ रहे इतने साल से, क्यों WWE ने ऑल ऑफ अ सडन उनका मैच ओमोस के अगेंस्ट करा रहे। तो ये आपको लग रहा है कि ये प्लान रहेगा हमारे ट्रिपल एच का, क्योंकि प्लान ट्रिपल एच का नहीं है और ये पूरा प्लान है WWE के ओनली वन बॉस, WWE के चेयरमैन, WWE के बॉस द विंस मैकमैन। गाइस आप बिल्कुल सही सुनो गाइस, ये मैच बुक किया है विंस मैकमैन ने और ये पूरा आइडिया विंस मैकमैन का था बिटवीन ब्रॉक लेसनर एंड ओमोस का मैच। अभी जो विंस मैकमैन है गाइस वो पहले के टाइम से WWE चला रहे और पहले के टाइम से गाइस विंस मैकमैन को ऐसे मैचेस बहुत ही पसंद है, ये जायंट वर्सेस बीसी मैच। और इसलिए रीजन है कि विंस मैकमैन ने मैच बुक किया, उन्होंने सोचा रहेगा कि अगर मैं WrestleMania में जायंट वर्सेस बीस्ट का मैच करूंगा तो ये मैच मुझे ज्यादा मजा आएगा देखने में और ये ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा क्योंकि फैंस को आएगा। पर्सनली मैं बोलता हूं ये मैच ऑब्वियसली गाइस एक बहुत ही फीका मैच है, समझो गाइस ब्रॉक लेसनर एक 60 फुट 4 इंच के जायंट को फेस करेगा WrestleMania 39 में। गाइस सोचो गाइस इसलिए गाइस ये रीजन है कि विंस मैकमैन ने गाइस ये मैच बुक किया। इस चीज को ये भी प्रूव करेगा कि विंस मैकमैन अभी भी WWE में थोड़ा काम कर रहे हैं और इन द कमिंग डेज जो भी उनको बड़े चेंजेस होते दिखेंगे उनके हाथों के पीछे हमारे विंस मैकमैन ही हो गए। तो और गाइस अगर सर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो को कीजिए लाइक और गाइस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं जिसके वजह से आपको हमारे चैनल के रिलेटेड सब अपडेट्स सबसे पहले मिले।